हाय एवरीवन, श्वानी हियर अगेन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक उन मैनेजर्स के लिए, उन टीम लीडर्स के लिए है जिनको अपनी टीम को हैंडल करने में प्रॉब्लम आती है। सो एक मेरे एक्स एम्प्लॉय थे, तो वो शी जॉइंट समवेयर एज अ टीम लीडर। तो शी वॉज लाइक कि मैम मेरे को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। सो जब मुझे कॉल किया तो शी वॉज लाइक मैम मेरे को बहुत इशूज़ आ रहे हैं, मैं यहाँ पर टीम हैंडल नहीं कर पा रही है, टीम मेरा काम सुनती नहीं है, टीम मेरा काम नहीं करती है। तो शी वॉज लाइक कि मैम आप प्लीज़ इस पर एक वीडियो बनाना मेरे लिए, जिस पर मैं, या मुझे बताओ आप किस तरीके से टीम को हैंडल किया जाता है। सो आई थॉट कि ऐसा इश्यूज तो काफ़ी सारे लोगों के साथ आ रहा होगा कि जो एज ए एम्प्लॉय तो बहुत अच्छा काम करते हैं, मतलब एज ए टीम में, टीम के अंडर बहुत अच्छा काम करते हैं, मतलब जब वो प्रमोट होते हैं वो टीम हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको चार ऐसे तरीके बताने वाली हूँ, तरीके तो बहुत सारे हैं, फिर मैं चार ऐसे इनिशियल तरीकों को लिया हुआ है मैंने, जो शायद एज ए नॉट शायद बेसिकली 100% गारंटी देती हूँ मैं कि वो आपके लिए काम करेंगे। बट उसके साथ एम्प्लॉयज़ पे भी डिपेंड करता है कि जो आपके टीम में, कुछ टीम में ऐसे टीम लीडर सॉरी कुछ टीम में ऐसे लोग भी होते हैं जो जो एक्चुअल काम करना चाहते हैं, कुछ टीम में ऐसे लोग भी होते हैं जो आप कितने भी अच्छे हैं, आप उनके मैनेजर बन जाओ फिर भी वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो हर टीम में कुछ इस टाइप के लोग होते हैं, तो वो हमें जस्ट देखना पड़ता है। तो बेसिकली ये जो चार पॉइंट्स हैं, तो पहला टॉपिक, अगर मैं पॉइंट स्टार्ट करती हूँ, तो पहला पॉइंट है मेरा कि से ऑलवेज अ थैंक यू नोट, गिव देम अ थैंक यू नोट। अब थैंक यू नोट से मैं क्या समझाऊंगी, तो थैंक यू नोट बेसिकली अगर वो कुछ काम कर रहे हैं, कुछ उन्होंने अच्छा काम किया है, तो आप चाहे मैनेजर हो चाहे टीम लीडर हो, उनको हमेशा एक उस पर्टिकुलर वर्क को थैंक यू बोलने से मतलब यहाँ पे है कि आप उनको थैंक यू बोल सकते हो उस पर्टिकुलर काम के लिए जो उन्होंने काम किया हुआ है, एक्स्ट्रा एफर्ट दिया हुआ है, जो उनका फोटे वो तो किया ही हुआ है पर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट दिया हुआ है, तो उसके लिए आप उन्हें थैंक यू बोल सकते हो। गिव देम अप्रिशिएट देयर वर्क, मतलब उनके काम को, जो उन्होंने काम किया हुआ है उस काम को अप्रिशिएट करो। इससे क्या होगा, इससे जो एम्प्लॉय होगा, वो जो आपके टीम मेम्बर होगा, वो बहुत मोटिवेट होगा और उसका आपके ऊपर एक ट्रस्ट बनेगा कि नहीं, वो पर्सन जो मैनेजर है मेरा, जो टीम लीडर है मेरा, वो मेरे काम को वैल्यू करता है, मैं जो काम करता हूँ उसको अप्रिशिएट करता है। तो ये आपका मैंने बोला कि जिस गिव मैं थैंक यू नोट किसी भी तरीके से आप दे सकते हो। सेकेंड अगर मैं बात करती हूँ, सेकेंड आपका हो जाएगा जस्ट गिव देम अ पर्सनल टच। पर्सनल टच से यहाँ पे क्या समझती हूँ मैं, समझाती हूँ बेसिकली। तो पर्सनल टच बेसिकली वो हुआ कि आप एक एम्प्लॉई, एक पर्सन है, एक एग्जांपल एक टीम मेंबर है, एक टीम पर्सन है, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, ऑफिस का वर्क होता है, तो वो थोड़ा सा कॉप अप करने में प्रॉब्लम होती है। तो काफ़ी सारे लोगों का क्या होता है कि जो वो वर्क पे इतना वो हेक्टिक हो जाते हैं या फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं या बार बार चिल्लाने लग जाते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं या ईजिली गिव अप कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका बैक में जो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम भी चल रही होती है, उनकी फैमिली प्रॉब्लम भी चल रही होती है, वो भी कहीं ना कहीं उन्हें इफेक्ट करती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बीइंग अ मैनेजर, बीइंग अ टीम लीडर, आपको क्या यहाँ पे उनके पार्ट करना है, बेसिकली आस्क देम अबाउट देयर प्रॉब्लम। अगर वो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ उनकी प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली प्रॉब्लम किसी वो शेयर नहीं कर सकते, तो आस्क देम कि सब कुछ लाइफ में अच्छा चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर कुछ ऐसे इशूज़ हैं तो जस्ट शेयर विद मी, आप मेरे साथ शेयर करो। बीइंग अ मैनेजर आप उनका, आपका वो बेसिकली आपकी मैं ड्यूटी बोलूँगी उसको, ड्यूटी है आप उनके बारे में जानो, ताकि वो अपना पर्सनल अगर उनका अच्छा रहेगा तो अपना वो जो प्रोफेशनल भी अच्छा कर पाएंगे। तो आप जितनी मदद कर सकते हो, जितनी उनकी प्रॉब्लम को सुन सकते हो, उनके सॉल्व कर सकते हो, वो उन्हें एक पर्सनल टच दो, उनको एक ट्रस्ट अपने ऊपर बनाओ, अपने ऊपर ट्रस्ट दो कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, ताकि वो अपने आप अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर सकते हो। तो मैंने ये बोला एक पर्सनल टच दो उनको, बात तो सही है। थर्ड आपको बोला मैंने एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या अप्रिशिएट का पार्ट हो जाएगा। तो जो भी आप मैनेजर हो, टीम लीडर हो, तो एक स्टेप लो आगे। अगर आपके उसमें ऑफिस में अगर ऐसे कुछ इवेंट्स नहीं होते हैं, तो अपने जो एचआरस हैं, उन जो आपके ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, उनसे जाके बात करो, उनको बोलो कि हमें इस तरीके से कुछ एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, ताकि जो इम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेट हो, जो अच्छा काम करें वो और अच्छा काम करें। तो ये एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, मतलब आप ही मैनेजर हो, आप ही टीम लीडर हो, तो आप ही को ये सब करना पड़ेगा अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए। फोर्थ आपका जो पॉइंट है, फोकस ऑन द लर्निंग। अब फोकस ऑन द लर्निंग में कि कोई भी एक आपका टीम मेंबर होगा जो अपने करियर के लिए फोकस्ड होगा, तो वो अर्निंग के साथ साथ लर्निंग पे भी ध्यान देगा। मैंने वही चीज़ बोली है वहाँ पर, कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे जो नहीं लर्निंग पे ध्यान देंगे, बट कुछ टीम मेंबर्स होंगे जिनको लर्निंग बहुत मैटर करती होगी। तो जो कुछ नया मार्केट में आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आप मैनेजर हो कि उनको काम ही दिया जा रहा है तो उसी चीज़ से आप सिखाओ। कुछ ऑफ द, जैसे उनके पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जो उनके कैरियर होते हैं, जो कुछ नई स्किल्स होती है, तो आस्क देम कि आपने ये स्किल पढ़ी है, आपने इस स्किल के बारे में चेक किया हुआ है,
तो कुछ नई स्किल्स जो मार्केट में नई आ रही हैं और आपको उनके बारे में पता है, तो वो इन्फॉर्मेशन अपने टीम मेंबर के साथ शेयर करने की कोशिश करो। अगर आप ये नए स्किल्स अपने एम्प्लॉयज़ को दोगे, अपने टीम मेंबर्स को दोगे या अपने एम्प्लॉयज़ को दोगे, तो वो जो टीम मेंबर्स होंगे वो आपके ऊपर जब भी कुछ क्वेश्चन होंगे, प्रॉब्लम आएगी, वो आपसे सबसे पहले पूछ रहेंगे रादर देन आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। तो ट्रस्ट बिल्डअप होगा तो ऑब्वियसली आपको सपोर्ट मिलेगा अपने टीम मेंबर्स के थ्रू, अगर आप एक टीम लीडर और एक अपने मैनेजर हो। कि एक 4 पॉइंट तो मैंने आपको बता दिए, एक एक्स्ट्रा पॉइंट और ऐड करूँगी कि जो टीम मेंबर्स के जो क्या होता है, अगर आपको टीम के साथ अपनी एक कोऑर्डिनेशन बनानी है, एक तो उनको आउट ऑफ द ऑफिस कभी एक लंच में लेके चले गए, कभी एक आपको छोटी सी उन्हें पार्टी दे दी टीम मेंबर्स को, छोटी सी उनकी कुछ अचीवमेंट्स उन्होंने किए हैं तो जो उनको थोड़ा सा फूड मतलब किसी रेस्टोरेंट में लेके चले गए, किसी जगह उनको खाने के लिए बोला या कुछ पार्टी दे दी, तो आपकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी करोगे ना, पर टीम जो आपको डबल काम करके देगी, जो डबल काम करके देगी तो जो प्रमोशन होगा एप्रिसिएशन वो किसका होगा, वो टीम मैनेजर का होगा, टीम लीडर का होगा। तो ये बेसिकली ऐसे पॉइंट होते हैं जिनके थ्रू अगर आप एक मैनेजर हो, आप एक टीम लीडर हो, तो अपनी टीम को भी हैप्पी रख सकते हो, टीम से आप काम भी करवा सकते हो और टीम भी आपको सपोर्ट करेगी अगर आप ये सारे काम करते हो। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो आई होप कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे और अगर आप इन चीज़ों को बेसिकली एक्सेप्ट करोगे आगे जाके, तो ये आप एक मैनेजर बनना चाहते हो या टीम लीडर बनना चाहते हो तो ये आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, ये पॉइंट्स आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। तो इससे क्या होगा, आपका प्रमोशन भी होगा, टीम भी अच्छे से काम करेगी। तो बाकी यही था, बाकी आप जो एंड में लास्ट में वीडियो बोलती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जो भी आपको कुछ पॉइंट्स जानने हैं इफ़ यू आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट, तो मेरे को आप कमेंट करके पूछ सकते हो और आप मुझे लिंक्डइन पर फॉलो कर सकते हो, लिंक्डइन में हमारे कंपनी पेज को, इंस्टाग्राम पे हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। पर्पस यही है मेरे इस यूट्यूब चैनल का, इस पर्टिकुलर वीडियो का, जितने भी लोग कॉर्पोरेट में काम कर रहे होते हैं, दे आर स्टिक एनी प्रॉब्लम, दे आर लाइक नॉट एबल टू फाइंड आउट द सोल्यूशन, तो उनको मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करूँ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।